खबर गाजीपुर जनपद से जहां नगर पंचायत सादात वार्ड से है, जो वार्ड नंबर 7 दीनदयाल नगर में आज आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए विशेष शिविर चिकित्सा प्रभारी मिर्जापुर डॉक्टर रामजी सिंह के निर्देशानुसार लगाया गया। वार्ड नंबर 7 सभासद राजू मद्देशिया की प्रतिनिधि अंतिमा मद्देशिया के द्वारा डोर टू डोर जाकर के लोगों को यह बताया गया कि आज विशेष शिविर लगाया जा रहा है, आप लोग आयुष्मान कार्ड है तो जाकर लिस्ट में जांच करवा लें। खबर मिलते ही काफी संख्या में वार्ड नंबर 7 के निवासी आधार कार्ड एवं राशन कार्ड के साथ आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए पहुंची। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं में 5 लाख तक का इलाज निःशुल्क किया जाता है। जहां पर आयुष्मान कार्ड से अटैच हॉस्पिटल होंगे वहाँ पर इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। वहीं आयुष्मान कार्ड से वंचित कावेश्यनाथ उर्फ मंगरू पासवान ने बताया कि जनगणना के समय हम लोग भी मौजूद रहे, जनगणना में सहयोग भी किया, लेकिन पता न किसी कारण से हम लोग का नहीं बन पाया। अगर फिर से बनाने की योजनाएं आती हैं तो हम लोगों को जानकारी होने पर बनवाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज सावन का पावन महीना है, नाग पंचमी है, पूरी दुनिया में नाग देवता की पूजा की जाती है और अपने अपने स्वास्थ्य के लिए सब लोग सचेत होते हैं। उसी प्रकार से सरकार की सारी योजनाएं प्रचारित और प्रसारित की जाती है जिससे कि जन जन के लोगों को इसका भरपूर सहयोग मिले, लाभ मिले। अगर हमें आवश्यकता पड़ती है तो सरकार के द्वारा दी गई व्यवस्थाओं में हमें निःशुल्क इलाज मिले। इस कार्यक्रम के तहत आज गाजीपुर जनपद के नगर पंचायत सादात में, यह गाजीपुर जनपद का नगर पंचायत सादात वार्ड नंबर 7 है, दीनदयाल नगर नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे चिकित्सा प्रभारी जो है डॉक्टर रामजी सिंह के निर्देशानुसार आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कैंप लगाया गया है। और यहाँ पे हमारे वार्ड नंबर 7 के तमाम माताएं हैं, पुरुष हैं, जिनको जांच करवाना यानी पता लगाना है कि हमारा नाम में है कि नहीं लिस्ट में, और हमें किस तरह से बनवाना है, उसकी प्रक्रिया क्या है। इस कार्यक्रम के आयोजक जो है कि डॉक्टर रामजी सिंह जी हैं, जिनके निर्देशानुसार यह कैंप लगाया गया है। आइए हम मिलते हैं हेल्थ कम्युनिटी से जो आए हैं हमारे भाई साहब, इनसे मिलते हैं। अपना परिचय बताएं। हाँ जी, मेरा नाम आनंद प्रकाश तिवारी है, मैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। आज आयुष्मान भारत योजना के तहत यहाँ पे आयुष्मान कार्ड बनाने की योजना चल रही है, जिसके द्वारा वंचित वर्ग के लोगों को जिनको भी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी, 5 लाख तक की स्वास्थ्य सुविधाएं हॉस्पिटल में मुफ्त दी जाएंगी। इसी के लिए यहाँ पे कैंप लगा हुआ है, जिसके थ्रू यहाँ पे जिन लोगों का नाम लिस्ट में है सबका आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। अच्छा, तो जो आप कार्ड बना रहे हैं जी, इसका लाभ हमें किस हॉस्पिटल में लगेगा, ये बताएं आप। जी जी, जहाँ पे भी आयुष्मान स्वास्थ्य से संबंधित कैंप लगे होंगे उन हॉस्पिटल्स में ये कार्ड अवेलेबल होगा। वहाँ पे आप लोग जाएंगे तो 5 लाख तक की सुविधाएं सेवा मुफ्त मिलेंगी। तो क्या वहाँ कुछ शुल्क भी देना होगा कि निःशुल्क इलाज होगा? किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगेगा। अच्छा, जिन लोगों का नाम इसमें है जी, और जो लोग अगर नया से बनवाने चाहते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है? सर्वे होगा, सर्वे के थ्रू इन लोगों का नाम चुना जाएगा, वहाँ से बन के आएगा तो पुनः कैंप लगेगा और जो लोग बचे रहेंगे उन लोगों का पुनः फिर से आयुष्मान कार्ड बनेगा। तो ये जो आज कैंप लगा करके आप बना रहे हैं, इसमें आज का क्या प्रोसेस है आपका? आज जिन लोगों का नाम आयुष्मान कार्ड योजना में है उन लोगों का आयुष्मान कार्ड बनेगा। किसी भी सहज जन सेवा केंद्र से जाके ये लोग अपना आयुष्मान कार्ड आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और 5 लाख तक की मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। आज की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जन सेवा केंद्र पे जाएंगे ना? जी जी, आज की प्रक्रिया पूरी होने के बाद। देखिए, आनंद प्रकाश तिवारी जी हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, इनसे हमने जानकारी लिया, इन्होंने बताया कि 5 लाख तक की व्यवस्थाएं फ्री की है। यार, ये एक्सीडेंट हो जाता है या हमको जटिल रोगों से परेशान हो जाते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है उपचार कराने के लिए, इसलिए सरकार की जो यह योजना है उसको जन जन तक पहुंचाने का कार्य करने का यह कार्य किया जा रहा है। इस कार्य में विशेष सहयोग हमारे नगर पंचायत वार्ड नंबर 7 की सभासद प्रतिनिधि अंतिमा मद्देशिया, इनसे मिलते हैं। यह जानकारी आपको कैसे पता लगी कि यहाँ पे कैंप लग रहा है? रात को फोन आया था सरकारी हॉस्पिटल से, गांधी डॉक्टर से। वो बोले कि भाई आपकी वार्ड में कैंप लगेगा, आप जाकर जनसंपर्क कर लीजिए वार्ड में अपना। सुबह उठकर पूरे नहा धोकर पूजा कर चले गए वार्ड में। इधर 10 बजे तक संपर्क किए, फिर उसके बाद आकर देखे तो भैया आकर यहाँ पर कर रहे थे, बना रहे थे। अच्छा, ये बताइए, एक आप कुशल महिला भी है, गृहिणी है, समाज सेविका है, आज नाग पंचमी है, सभी लोग तो नाग पंचमी मना रहे हैं, लेकिन आप जन सेवा में लगी हुई है, इसके बारे में क्या कहेंगी? अरे भाई, मेरा जनता है भाई, हम तो पहले ही बोले, चुनाव जीतने के पहले भी बोले कि मेरा जनता
मेरा ही परिवार है भाई। हमको जब वो हमको जिताए हैं तो हम उनके खातिर 2400 घंटा अपने मतलब सरहद में रहेंगे। जो मेरे सब मुझसे सपरेगा वो मैं उन लोगों को करने के लिए तैयार है। देखिए सभासद प्रतिनिधि अंतिमा मधेसिया जी, उन्होंने कहा कि जब हमने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं वादा की हूँ, विश्वास दिलाई हूँ कि मैं जीतने के बाद जो सहयोग होगा जनसेवा के लिए मैं करती रहूँगी। और इस आज के इस कैंप के लिए चिकित्सा की पूरी टीम को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और नाग पंचमी की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। चाचा आपका कामेश्वर नाग पासवान। अच्छा, इस आयुष्मान कार्ड कैंप लगाए इस पर क्या कहना चाह रहे थे आप, क्या समस्या थी? हमारी समस्या ये है कि हम लोगों का जो है नामे नहीं लिस्ट में है, ऐसा क्यों? तो जब जनगणना हुआ था तो आप लोग थे? हाँ, जनगणना में हम लोग थे और जनगणना कराए मास्टर लोग से, अरे सबका नाम हमने बताया, अपने परिवार का, अपने सब लोगों का नाम बताया, तो लिस्ट में आपका नाम नहीं है। तो आज जो जो कार्य हो रहा है उसमें उनसे वार्ता किए हैं आप? हम उनसे अभी वार्ता नहीं की। तो वार्ता कर लीजिए, जैसा कहते हैं जो प्रक्रिया होगी उसके तुरंत कार्यवाही होगी। अब वो यही कह रहा है कि मतलब जो लिस्ट में नाम है उसी का बनेगा, जिसका नहीं है उसका नहीं बनेगा, मेन बात मोटी मोटी। क्या नाम है आपका? उदय प्रकाश राज। तो आपका आयुष्मान कार्ड बना कि नहीं? बन गया। तो उसमें सरकार की योजना से आपको क्या फायदा मिलेगा? तो 5 लाख का है वह मिलेगा, अभी तो हम कर भी नहीं गए हैं आधार लेने के लिए। चलिए भगवान न करे कि आपदा पर आपके आप आपके पास आए, आफत विपत्त की फायदा ले, अचानक कोई ऐसी आवश्यकता पड़ती तो 5 लाख का देखा जाएगा। 5 लाख का आपका यानी कि बीमे में आपका इलाज होगा। देखिए उदय प्रकाश जी ने बताया कि हमने आयुष्मान कार्ड बनवा लिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है सरकार की योजनाओं पर कि अगर बाई चांस हमें आवश्यकता पड़ती है तो 5 लाख रुपए का उपयोग किया जा सकता है चिकित्सा के लिए।